सरसों की कमी की वजह से हरियाणा में 80 से 85 फीसद पेराई मिलें बंद हो चुकी हैं। देश भर में सरसों की आवक गुरुवार को लगभग 1,25,000 बोरी की रही। वहीं NCDX के अक्टूबर वायदा में कीमत 118 रुपये टूटने के बावजूद इस गिरावट का हाजिर भाव पर कोई असर नहीं हुआ। वहीं विदेशी बाजारों में गिरावट के रुख के बीच आयात शुल्क कम होने की अफवाह से दिल्ली तेल तिलन बाजार में गुरुवार को सोयाबीन, CPO, पामोलिन सहित विभिन्न तेल तिलनों के भाव में गिरावट आई, लेकिन बाकी तेल तिलन के भाव पूर्व स्तर पर ही बने रहे, जबकि मांग निकलने से सोयाबीन दाना और लूज के भाव में तेजी देखने को मिली। दरअसल खाद्य तेलों के आयात शुल्क कम होने की अफवाह से बाजार टूटता दिखाई दिया और सोयाबीन तेल, CPO और पामोलिन तेल कीमतों में गिरावट आई। मलेशिया एक्सचेंज में गिरावट के कारण भी इन तेलों के भाव टूट गए। इसी बीच मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने शुल्क गणना के लिए डॉलर रुपए की विनिमय दर को बढ़ा दिया है, लेकिन चूंकि विदेशों में भाव गिरे हैं इसलिए यहाँ भी भाव टूटते दिखाई दिए हैं। मलेशिया एक्सचेंज में भी कल गिरावट दर्ज की गई, वहीं शिकागो एक्सचेंज में भी हल्की गिरावट रही। कमजोरी के इस रूप का सीधा असर स्थानीय तेल तिलन कीमतों पर दिखाई दिया और इसके साथ शुल्क कम होने की अफवाह की वजह से भी अधिकांश खाद्य तेलों के भाव गिरावट के साथ कारोबार करते दिखाई दिए। सोयाबीन किसान नीचे भाव में अपना माल निकालने से कतरा रहे हैं, लेकिन अफवाह से सोयाबीन तेल कीमतों में गिरावट आई, जबकि मांग निकलने से सोयाबीन दाना और लूज की कीमतों में सुधार दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।